देखो क्वेश्चन है द कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर फोर एंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। इन दोनों में से ना वन प्लस एक्स और ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो वन प्लस एक्स पावर एन। तो हमारे पास ये दो फैक्टर बन गए, एक बन गया वन प्लस एक्स और ये बन गया वन प्लस एक्स स्क्वायर और दोनों की पावर एन आ जाएगी। हमें कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर फोर का है तो इसे भी चार टर्म तक खोल लें। क्या आएगा एन सी जीरो एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यू प्लस, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, फोर तक तो जाना ही पड़ेगा, एन सी फोर एक्स पावर फोर एंड सो। इसमें दो टर्म में ही काम चल, तीन में काम चल जाएगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू और एक्स पावर फोर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर आएगा ना तो टू का स्क्वायर फोर। अब देखो पावर कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर फोर चाहिए, देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर फोर कहाँ कहाँ से बनेगा, एन सी जीरो को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो एन सी जीरो और एन सी टू आ गया। अब इस एन सी वन को किससे मल्टीप्लाई कराओ, बनेगा नहीं तो इसे रहने दो। अब इस एन सी टू को किससे मल्टीप्लाई कराओ, इससे, तो क्या बनेगा एन सी टू और एन सी वन। अब अगर मैं इसे इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी बन जाएगा तो एन सी फोर। अब देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच करता है इसमें, एन सी जीरो एन सी टू प्लस एन सी टू एन सी वन और एन सी फोर। एन सी जीरो कितना होता है वन, ठीक है तो इसे हटा दो, एन सी टू प्लस एन सी टू एन सी वन प्लस एन सी फोर। देखो कोई ऑप्शन है इसमें एन सी टू एन सी टू एन सी फोर एन सी वन एन सी टू, ठीक है डी ऑप्शन हमारा जो हो गया करेक्ट ऑप्शन।